बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ ए इज़ सक्यू सिमेट्रिक देन शो दैट ए स्क्वेयर इज सिमेट्रिक। डियर स्टूडेंट्स, गिवन दैट इफ ए इज सक्यू सिमेट्रिक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो वो बराबर होगा माइनस ए के। सक्यू सिमेट्रिक यही होता है ना कि अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए और वो माइनस ए के बराबर आए तो हम कहते हैं ये क्या हो गया, सक्यू सिमेट्रिक। वी हैव टू प्रूव दैट ए स्क्वेयर जो है ना वो सिमेट्रिक है, ये कंडीशन दी है और फिर कहा है कि प्रूव करो कि ए स्क्वेयर क्या है, सिमेट्रिक है। वी हैव टू प्रूव दैट ए स्क्वेयर इज सिमेट्रिक, यानी कि अगर हम लें ए स्क्वेयर का ट्रांसपोज तो वो किसके बराबर आना चाहिए, ए स्क्वेयर के बराबर आना चाहिए। लेफ्ट हैंड हमारे पास है ए स्क्वेयर का ट्रांसपोज, तो इसको हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाइड बाई ए उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अलग करें, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। अभी कंडीशन के मुताबिक ए ट्रांसपोज किसके बराबर था, माइनस ए, और ये भी कितना बन गया, माइनस ए। तो माइनस और माइनस मेल के क्या बन गया हमारे पास, प्लस। इस तरीके से साबित हुआ कि ए स्क्वेयर का जो है ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो वो किसके बराबर आ जाता है, ए स्क्वेयर आ जाता है। इट मीन्स दैट ए स्क्वेयर इज सिमेट्रिक।